चित्रकूट बड़गड़ में आज मऊ रिपोर्टर ब्यूरो रोहिणी कुमार अपनी टीम के साथ मस्तान शाह बाबा उर्स में पहुंचे तो वहां पर बाहर से आए मौलाना मुबारक अली, वारिस अली, हामिद खान, गुलशन बानो, माशूक अली, यहां पर सबसे ज्यादा बांदा जिले से आए मौलाना, उन्होंने क्या बताया आप इस वीडियो में सुन सकते हैं और देख सकते हैं। मस्तान शाह बाबा के गुरु जहरुला शाह के मजार में उर्स लगा था। यह उर्स में आए शंकरगढ़ से वारिस अली ने बताया, चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक द्वारा इस उर्स में काफी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। समय समय पर थाना प्रभारी बड़गड़ आकर सुरक्षा देखते रहते थे। आपको बता दें, यह उर्स मस्तान साहब बाबा के मजार पर हर साल होता है। बाहर से आए हुए मौलाना जो यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम होता है और यहाँ पर खाने का अच्छा प्रबंध होता है। नान रोटी, दाल चावल, मटन, मीठा चावल, सब मौलाना जो भी दर्शनार्थी आते हैं मजार पर उन्हें यहाँ पर प्रसाद के रूप में लेते हैं। बताया जाता है कि मस्तान शाह बाबा हमेशा मस्त रहते थे, इसलिए उनका नाम मस्तान शाह बाबा के नाम से मजार बनी है, जबकि उनका नाम नुसरत शफी शाह बताया गया। वहां पर मौजूद गुलशन बानो ने क्या कहा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उर्स में आने वाले काफी कुछ बताएं जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज की टीम को उस मजार के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली और काफी उत्साह वर्धन के साथ उर्स का समापन हुआ। वहां पर मौजूद वारिस अली ने बताया कि यहां पर संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन शाह जो किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं है, तो प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने उनसे पूछा। उन्होंने रिपोर्टर को बताया कि कुतुबुद्दीन शाह इस समय जेल में है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं बताया। अगर वह कुछ बताएंगे उसको प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज अपने चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने लाने का वादा करता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रोहिणी कुमार, मऊ ब्यूरो ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, मऊ रिपोर्टर दिनेश चतुर्वेदी, बड़गर रिपोर्टर राज, ओम प्रकाश, जितेंद्र सब मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए चित्रकूट से रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हमीद खान है। हमीद खान है, देखिए हमीद खान कहाँ से आए हैं? हम लाउंड खुर्द से आए हैं। कौन जिला? जिला इलाहाबाद। जिला इलाहाबाद से आए हुए हैं। ये बताइए यहाँ पर क्या प्रोग्राम होता है? यहाँ पे कवाली का प्रोग्राम होता है, उर्स होता है, खाना बनता है, लंगर होता है। उर्स ये किसके नाम से उर्स चला है? कौन? ये ख्वाजा पीर बाबा उनके पीर के नाम से होता है। ये वाला जो हुआ क्या नाम है? हैं? पीर बाबा का नाम है उनका, ख्वाजा सरकार के नाम से ये होता है। ख्वाजा सरकार के नाम से होता है, जबकि अभी एक चचा ने कुछ और नाम बताया था, जहरुल्ला, लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं? हाँ, वो ख्वाजा सरकार के नाम से होता है, वो जहरुल्ला शाह बाबा के जरिए होता है। जहरुल्ला शाह बाबा पर्दा कर चुके पहले, और हजरत नूर सफी रहमतुल्लाह अलैह मस्तान शाह बाबा के वो पीर हैं। अच्छा, इनका नाम मस्तान शाह बाबा कैसे पड़ा? इनका नाम मस्तान बाबा, वो अलमस्त मस्ताना मस्ती का दीवाना थे, इसलिए मस्तान शाह बाबा उनका। देखिए क्या नाम बताया आपने? हमीद खान। हमीद खान इन्हों इलाहाबाद से आए हुए, इन्हें कह रहे हैं हमेशा मस्ती में मस्त रहते थे, इसलिए मस्तान साहब बाबा नाम पड़ा। और कुछ बताएंगे उनके बारे में? यहाँ अब क्या बताएं, प्रोग्राम में क्या क्या बनता है? इनके प्रोग्राम में ये लंगर बनता है, रोटी बनती है, नान रोटी बनती है, चावल बनता है, दाल बनती है, मटन वगैरह, मटन बनता है, जो आ गया कहीं से आ गया। देखिए इनके जो है उर्स के समय में क्या क्या बनता है? अरे नान रोटी बनती है, चावल बनता है, चावल बनता है, और दाल चने की बनती है, चने की दाल बनती है, चने की, और उसी में मटन मिलाया जाता है। उसी में मटन मिलाया जाता है? किसका मटन? बकरे का। बकरे का मटन मिलाया जाता है। और कुछ बताएंगे? आप क्या बताएं, और जो पूछो वो बताएं। मासूक अली। मासूक अली कहाँ से आए हैं? हड़ा से, गढ़ा कबौली, बांदा जिले से ये भी आए हुए हैं? नहीं, हड़ा कबौली, हड़ा कबौली।
बांदा दिला जी, बांदा दिला से हड़ा कबौली बांदा दिला से ये भी आए हैं, ये बताएंगे कि यहाँ पर ये उर्स कब से लगने लगा। ये उर्स हो रहा है कम से कम 100 वर्ष से। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर उर्स 100 वर्ष से हो रहा है, और हमारे दौर में कम से कम मेरी 65 साल की उम्र है हम लोगों के दौर में जो हो रहा है। 65 साल की उम्र हो गई है जब से, आप कब से आ रहे हैं? 65 साल हो गए। 65 साल से ये आ रहे हैं, इससे पहले आपके कोई आते थे? मेरे वालिद आते थे, इनके वालिद आते थे, बशीर अली नाम है उनका, बशीर अली नाम है। अच्छा ये बताइए मस्तान साहब बाबा का नाम मस्तान साहब कैसे पड़ा? उनका नाम हजरत नूर सफ़ी उर्फ बाबा मस्तान है। उनका नाम हजरत नूर सफ़ी उर्फ मस्तान साहब बाबा नाम है जी। ये इनका जन्म और मृत्यु के बारे में बता सकते हैं? आपने अपनी जन्म के बारे में बताया था कि मेरी इस वक्त उम्र 180 साल की हो रही है, ये लगभग 40 साल के अरसे की बात है, मैं बता रहा हूँ मेरी 65 की उम्र हो रही है। ये 40 की उम्र थी जब मेरी आपसे पूछा गया था कि आपकी उम्र हुजूर कितनी है, तो आपने बताया था कि मेरी उम्र इतनी हो रही है, तो 20 साल छोड़ के जोड़ी गई थी तो 180 साल हो रही थी। उनकी ये ब्रिटिश के ज़माने के पहले उनका जन्म आपको मालूम है? जन्म कौन सन में हुआ था ये मालूम? ये जानकारी कोई नहीं दे पा रहे हैं उनके जन्म और मृत्यु बारे में। ये 65 साल के अड़ा कबौली से हैं। क्या मनाने आते? ये उर्स कई दिन का होता है? ये 3 दिन का उर्स 3 दिन का होता है, वर्ष में 2 मरतबा। एक मरतबा उनके पीर मुर्शिद का गुरु महाराज का होता है, और ये जो उर्स हो रहा है उनके गुरु महाराज का जहरुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह फुरकात शरीफ उनके गुरु महाराज हैं, उनका उर्स ये हो रहा है। और इसके बाद मुहर्रम के महीने में जो उर्स होगा वो हजरत नूर सफ़ी उर्फ बाबा मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का होगा। मुहर्रम के समय अगर कोई भी उर्स जब होगा वो मस्तान साहब बाबा को होगा। ये किनका ये वाला उर्स? ये उनके पीर का है, उनके गुरु महाराज का है। गुरु महाराज का नाम क्या है? हजरत मखदूम जहरुल्लाह शाह। हजरत मखदूम जहरुल्लाह शाह उनका ये उर्स है। वारिस अली शंकरगढ़ प्रयागराज के रहने वाले हैं। ये वारिस अली शंकरगढ़ प्रयागराज के रहने वाले हैं। कब से आते हैं आप यहाँ? यहाँ बहुत दिन से आते हैं, आज 25-30 साल से आ रहे हैं। 25 से 30 साल तक से ये आ रहे हैं। कुवारी अली वारिस ये अपना नाम बता रहे हैं? वारिस अली, कुवारी अली। ये बताइए कि यहाँ पर ये क्या है? ये मस्तान साहब बाबा का उर्स होता है, इनकी बहुत अच्छी करामत है, लोगों का यहाँ से भला होता है, इसलिए लोग यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए इन्होंने बताया मस्तान साहब बाबा बरगढ़ 2 चित्रकूट जिले में स्थित है, मजार है। इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर उनका अच्छा करामत है इसलिए ये यहाँ पर आते हैं। और बताएंगे लोगों को भला होता है इसलिए आते हैं, फिर लोगों का भला होता है इसलिए आता है, बस और क्या बोलना है। यहाँ के स्थापक जो है कुतुबुद्दीन शाह बाबा, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के देखने हुए, यहाँ के जिम्मेदार थे, और उनको फर्जी यहाँ लोग फंसा दिए हैं। कहा थे, निवेदन है कि सही जानकारी लेके आप लोग उनके कार्य वो करिए कि वो वहाँ पर आ जाए। उनकी सही जांच हो। कैसे फंसा दिए गए हैं? बस सही लोगों का जमीनी विवाद था, इसमें कुछ लोगों की जमीन थी, पर बाबा के जमाने से लोग इसमें रजिस्ट्री कर चुके थे और बाबा को वफ करके दे दिए थे, फिर भी जबरदस्ती झगड़ा करते थे इनसे कि नहीं वो जमीन। ये अभी बता रहे हैं किसी दो यहाँ के संस्थापक हैं, क्या नाम है? कुतुबुद्दीन शाह बाबा। कुतुबुद्दीन शाह बाबा को पर्दी फंसा दिया गया है, आप इसमें क्या कह सकते हैं? इसमें ये कह सकते हैं सही जानकारी लेके उनके भाई रिहाई की वो हो, क्या कहते हैं, मांग करते हैं कि वापस आए, सही जानकारी लिया जाए। किसी के कहीं भी आप लोगों ने शिकायत की? सब जगह शिकायत किए हैं, क्या कहते हैं, पर सुनाई कुछ नहीं हो रही है, बस सब जगह शिकायत किया गया है, सुनाई नहीं हो रही है।